हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाइपरलिंक क्या होता है और हाइपरलिंक का यूज हम कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। हाइपरलिंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक टूल्स है जो कि आपको इंसर्ट टैब में मिलता है और लिंक कैटेगरी में मिलता है। हाइपरलिंक का यूज़ हम कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं? तो हाइपरलिंक सिंपली एक लिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वर्ड पर प्रेजेंटेशन या कोई डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं और उसके साथ में आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट शो करना है, लाइक एक्सेल का डॉक्यूमेंट्स हो गया या कोई वीडियो हो गया वो शो करना है, तो उसके लिए आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स को मिनिमाइज़ करना होगा। मिनिमाइज़ करने के बाद आप कोई वीडियो में जाएंगे, वहाँ जाकर के आप वीडियो को प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसे मिनिमाइज़ कर दिया, उसके बाद मैं वीडियो में जाऊँगा और फिर जा करके मैं वीडियो को प्ले करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यही सेम प्रोसेस हो लेकिन मेरा जो टाइम है और जो प्रोसेस है वो इतना ना करना पड़े, क्योंकि जो प्रोसेस है बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, तो इसी प्रोसेस से बचने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी आपको लिंक यहाँ पे क्रिएट करना है, तो चलिए सबसे पहले एक लिंक क्रिएट करते हैं और लिंक क्रिएट करने से पहले उसका एक नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नेम लिख दिया, रिपेयरिंग वीडियो के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो इस क्लिक को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक में चलते हैं। क्लिक को सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक में चलते हैं और यहाँ पर जा करके जो भी फोल्डर है जहाँ पर मैंने वीडियो सेव कर रखा था उस फोल्डर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो वीडियो है उसे सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपेयरिंग वीडियो के बाद जो क्लिक का ऑप्शन था उसका कलर चेंज हो चुका है। तो आप जैसे ही माउस का जो कर्सर है वो उस क्लिक के ऊपर लेके जाएगा तो यहाँ पर आपको शो होगा कि, तो कंट्रोल के साथ आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस लिंक के पास पहुँच जाएंगे। तो चलिए कंट्रोल के साथ माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप वीडियो, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल यहाँ पर ऐड कर सकते। एक पिक्चर के साथ एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लिक हियर को सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने क्लिक हियर को सेलेक्ट कर लिया है और अब हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर मैंने अपना फोटोग्राफ सेव रखा है उस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैंने पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया और सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक हियर पे मेरा माउस का कर्सर जाएगा वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आ गया कंट्रोल के साथ, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस लिंक के पास पहुँच जाएंगे। तो चलिए कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं और प्रेस करते ही देखिए फोटो आपके सामने ओपन हो गया है। तो हाइपरलिंक का बेसिकली यूज यही होता है कि आप किसी भी वीडियो को, ऑडियो को या किसी भी फोल्डर को सिंपली एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं और इस लिंक पे क्लिक करते ही आप उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं।